तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है पीएच सीएच टू सी एच थ्री, ठीक है। इसका नाम क्या है? इथाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका? इथाइल बेंजीन, ठीक है। इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो, हाउ आर यू दीप? आई एम रियली गुड। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं एनबीएस से, याद है ना एनबीएस क्या करता है, ठीक है। ये बनाएगा पी, इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH और हीटिंग, ठीक है। ओफो, तो ये बनाएगा आर, ओके। इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, ये बनाएगा S। देन इसकी रिएक्शन कराते हैं, आइसोमेरिज्म की शीट अपलोड नहीं है, उसका सेशन नहीं लिया क्या? अपलोड नहीं है, नहीं, हाँ आपने उसका सेशन नहीं लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा आयुष क्या बोल रहा है? पहले अपनी हिंदी ठीक करो, मेरी इंग्लिश खराब, तुम्हारी हिंदी खराब है। ओके, सो NaNH2 हीटिंग, तो ये बनाता है टी, ठीक है, टी बनाता है। इसके बाद इसकी रिएक्शन को डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है, ये बनाता है यू। नमस्ते सोनू कुमार, ठीक है। सोनू तुम वो वाले सोनू तो नहीं हो जो आजकल चर्चा में है, आजकल चर्चा में सब फालतू चीजें ही ज्यादा हैं, ठीक है। टी एंड वी, टी दोबारा आ गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज येलो, ठीक है, वी कुछ है। तो वी की जो रिएक्शन है ये हमने कराई किससे? NaOH और CaO हीटिंग X, ठीक है। इसकी रिएक्शन X की, ठीक है, हमने कराई किससे? HNO3 और H2SO4 के साथ, तो ये बन गया Y। और इसकी रिएक्शन हमने कराई SN और HCl के साथ, ये बन गया Z, ठीक है। ये कंप्लीट करो तो इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे, आज रुकेंगे ही नहीं, ठीक है। सर शीट आइसोमेरिज्म की साइट पे नहीं है और YouTube पे इसका सेशन नहीं मिल रहा है, मिल रहा, आपने सेशन लिया है कि नहीं ये पूछ रहा हूं, गुड क्वेश्चन। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मैंने वो जो मेन चैनल है ना उस पर लिया हुआ आइसोमेरिज्म का रिविजन, वहां से कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सर जी सत श्री अकाल, जसविंदर सत श्री अकाल, ओके सर, 12th बैच की लाइव डाउट सेशन लीजिए, आपने एक बार नहीं लिया है, जो हुक्म मेरे मालिक, ठीक है। मैं, तूने चिराग रगड़ा था अभी, पहले चिराग रगड़, ठीक है, फिर मैं प्रकट होऊंगा, ठीक है, जिन हूं मैं, सबरता मजूमदार कश्यप, ठीक है, तू पहले चिराग रगड़ ले, मैं चिराग का जिन हूं, फिर जो बोलेगा मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नीट के सिलेबस कैसे करूं, इतना नीट का सिलेबस, ये भी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करो आप लोग सारे, ओके, बड़े आगे। सबसे पहली बात, इथाइल बेंजीन है ये, क्या है इथाइल बेंजीन? इसका एनबीएस से जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा कार्बन से एच निकल जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा, ओके। अब ये अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन हमने, जईद काजी ने आंसर भी दे दिया, एनिलीन आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद अल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन से ये बन जाएगा, ठीक है, कंपाउंड। इसका नाम क्या है बताओ? स्टाइरीन है। इसका पॉलीमर क्या बनता है? पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। सर आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, ठीक है, मजा लो फिर, कोई बात नहीं। फिर ब्रोमीन की रिएक्शन अपन कराते हैं, दोनों तरफ Br आ जाएगा, एंटी एडिशन, यहां भी Br और यहां भी Br, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद अल्कोहलिक KOH से डबल बॉन्ड और NaNH2 से ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन जाएगा T, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है। अब डाइल्यूट HgSO4 H2SO4, कुशरोव रिएक्शन, और कुशरोव रिएक्शन से कीटोन बन जाता है, क्या बन जाता है बोलो? कीटोन बन जाता है, राइट। अब बच्चों आइडोफॉर्म मैं देख के समझ रहा हूं कि भाई आइडोफॉर्म टेस्ट है, और आइडोफॉर्म टेस्ट है तो येलो कलर तो आना ही आना, मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ
यही सब गोल गोल घूम घूम के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैं पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है। इतने सालों का तजुर्बा कह रहा है। व्हाइट हेयर तो अभी आप मेरे देख नहीं पाओगे क्योंकि मैंने छुपा लिए हैं, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि क्वेश्चन इसके बाहर जाने वाले नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। अब एनएओएच और सीओ के साथ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहां बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, अभी आपने पेपर धुआं धुआं कर दिया होगा, ठीक है। संडे का पेपर इजी था ना? था कि नहीं? तो फिर कैसे हुआ है? वो सब इसी की वजह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमारे टिप्स पर आती जा रही है। बहुत टाइम बचाने का मौका मिलेगा आपको नीट में बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और इसकी SN और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिडक्शन हो जाता है और NH2 बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर, ऑल गुड। समझ गए हो कि नहीं? सर आप फिजिकल केमिस्ट्री टीच मत करना, नहीं तो पीएच और साले पागल जैसा बात कर रहा है, ठीक है, तू लड़वाएगा क्या? आगे बढ़े। ओके, ये तो बात हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन ने किया, या इसी को आगे बढ़ाए क्या? इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने Z से शुरू करना है अब, ठीक है। Z हमने लिया, Z इज वॉट? एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन को, ठीक है, हम कराते हैं किससे? एनिलीन की रिएक्शन को हम कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। तो ये बन जाता है, अब दोबारा अल्फाबेट शुरू करते हैं ए, ठीक है। इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं NaNO2 और HCl से, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बन जाता है बी, ठीक है। इसके बाद इसकी जो रिएक्शन है इसको हम कराते हैं किससे? CuCN से, तो बन जाता है सी, ठीक है, सी बन जाता है। फिर इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं किससे? H+ और H2O से, ये बन जाता है डी, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं किससे? अमोनिया से, हीट करते हैं तो ये बन जाता है ई, ठीक है। इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं किससे? CHCl3, रुको एक मिनट, इसकी रिएक्शन को कराते हैं Br2 और NaOH के साथ हीटिंग, तो ये बन जाता है F, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं अगेन NaNO2 और HCl से, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाता है G। फिर इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं H3PO2 से, फिर बन जाता है H। फिर इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं Mg और THF से, THF तो जानते हो, ये बन जाता है I। और फिर इसकी रिएक्शन को हम H2 से कराते हैं तो बन जाता है J। अब जल्दी जल्दी करो, ठीक है, देखते हैं कितना कर पाते हो, कितना रिवाइज हो पाता है। एनिलीन की H2SO4 से क्या बनेगा? पैरा पर, जसवीर सिंह, पैरा पे SO3H आएगा, है ना। एनिलीन के लिए सल्फोनेशन हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग NCERT में भी दिया है कि NH2 की पैरा पोजीशन पर SO3H आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, इजी है। अब इजी लग रहा है क्योंकि आदत पड़ गई है। ओके, करें शुरू। तो हमारे पास क्या है? एनिलीन है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या देखना होता है? इट डिपेंड्स कि किस पर करवा रहे हैं। अगर अल्काइल हैलाइड्स पर करवा रहे हैं तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। जेड क्या था एक बार फिर से बता दो। जेड ये है, एनिलीन है, जेड इज एनिलीन। अब बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। जेड एनिलीन है, तो ब्रोमीन और वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो तीनों पोजीशन पर Br आ जाता है। बुरालाल जी, ठीक है। इसके बाद NaNO2 और HCl से कराते हैं तो डायअजोटाइजेशन हो जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये बन जाता है, ठीक है।
इसके बाद CuCN से कराते हैं तो साइनाइड आ जाता है. कौन सी रिएक्शन? सैंडमियर रिएक्शन. सैंडमियर रिएक्शन, कोई डाउट? ये आ जाता है. इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है. बी आर, ठीक है. इसके बाद अमोनिया से हीट करते हैं तो अमाइड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? अमाइड. सी डबल बॉन्ड ओ NH2 बन जाता है. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. फिर Br2 और NaOH से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो वापस से ये सी डबल बॉन्ड ओ चला जाएगा और अमाइड से एनिलीन बन जाता है, NH2 आ जाता है. ये आंसर आ जाएगा इसका. Br, ठीक है. सर हाइड्रोलिसिस कैसे पता, फुल है या पार्शियल? नहीं नहीं, जब तक कुछ ना दिया जाए तो फुल लेना है हमें. ठीक है, फुल लेना है. वो तो लिखेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो हमें अमाइड तक रोकना है. ठीक है, ये बन गया. इसके बाद NaNO2 और HCl फिर से डायजोटाइजेशन करा लेना है. N2+, बोलो हाँ कि ना. फिर उसके बाद H3PO2 के साथ क्या होगा? ये चला जाएगा, यहां पर H रह जाएगा, H रह जाता है. फिर बच्चों ग्रिगनार्ड बन जाएगा. ये ट्राईहाइड्रो लिया ना हमने, तो हमको तीनों तरफ क्या बनाना है? ग्रिगनार्ड. MgBr. आया मजा? और फिर वाटर के साथ तीनों तरफ H लगा के बेंजीन बना ले. दैट्स इट. आई होप इट इज क्लियर. कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, यहीं से शुरू करें आगे. तो बच्चों जे से शुरू करते हैं. जे क्या है? बेंजीन है. आज मैंने कोई डिस्कनेक्ट करना ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन 10 तक चलाना है. बेंजीन है तो बेंजीन से ही चलाएंगे अब. ठीक है, जो बन रहा है प्रोडक्ट वही हमारा अगला रिएक्टेंट हो जाएगा. ठीक है, बस मैं ये करता रहूंगा कि एक बार ABCD, एक बार PQRS ऐसे चलाता रहूंगा. ठीक है, तो बेंजीन जानते हो ना, बेंजीन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं और उनमें सर बेच करके ऑर्गेनिक कैसे पढ़ा सकते हैं? सर बेच करके और कैसे पढ़ा सकते हैं? कैरिजारो क्यों नहीं देता है? जसवीर सिंह बोल रहा है कि CCl3CHO कैनिजारो क्यों नहीं देता है? क्योंकि कैनिजारो में क्या होगा, ये लास्ट स्टेप ये होगी इस पे और ये लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा. ये हेलोफॉर्म की लास्ट स्टेप देगा. तो ये क्या बना लेता है? H C डबल बॉन्ड OH और CCl3- और फिर ये H+ का इंटरचेंज करके ये बना लेता है. तो ये हेलोफॉर्म देता है, इसलिए कैनिजारो नहीं देता है. ठीक है, निकुंज ने आंसर भी दे दिया है. सर बैच करके ऑर्गेनिक कैसे पढ़ा सकते हैं? ये मुझे नहीं पता यार, ये क्या लिखा है, मैं कुछ कम ही समझ पाया हूं. ठीक है, तो बेंजीन से स्टार्ट करते हैं ना. बेंजीन से तो बच्चों बेंजीन की रिएक्शन को हम कराते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया से. किससे? सोडियम और लिक्विड अमोनिया से. ठीक है, ओके. तो कैनिजारो में H लिविंग ग्रुप है, हाँ ये वो है, लेकिन इसमें CCl3 लिविंग ग्रुप. तो ये बना लेता है P. फिर इसकी रिएक्शन को कराते हैं ओजोन से और H2O से. ये बना लेता है R. ठीक है, R बना लेता है. फिर इसका बच्चों प्योर फॉर्म में हीटिंग करते हैं तो S बना लेता है. फिर इस S की रिएक्शन कराते हैं CaOH होल ट्वाइस के साथ, T बन जाता है. और फिर इसका बच्चों कराना है हमें ड्राई डिस्टिलेशन. तो ये बना लेता है U. ठीक है, U बना लेता है. ठीक है, इसके बाद जो बना है इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं लाहा से, LiAlH4 से. V बना लेता है. फिर इस V की रिएक्शन को हम कराते हैं I2 और बेस के साथ, तो W और X बना लेता है. W जो है ये येलो कलर्ड कंपाउंड है. ठीक है, हर बार मैं कुछ ने कुछ ऐसा दे ही देता हूं. ठीक है, इसके बाद जो कंपाउंड बना है X, इसका H+ H2O से रिएक्शन करा के
वाई बना लेते हैं और वाई की जो रिएक्शन है ठीक है वो कराते हैं बच्चों SOCl2 से जेड बन जाता है और जेड की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो जेड वन बन जाता है और जेड वन की जो रिएक्शन है वो हम कराते हैं किसके साथ बोलो NaCN और HCN के साथ तो Z2 बन जाता है और Z2 का हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो Z3 बन जाता है ठीक है Z3 बन जाता है जल्दी जल्दी सर लोग पैसे देके भी नहीं अच्छी तरह से टीच करते हैं बट आप आर सो नाइस आप सभी डाउट भी बता देते हो फ्री में थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस यू तू तारीफ तो कर थोड़ा शेयर कर आगे ग्रुप में डाल दे अपने जो भी अपने फैमिली वैमिली वाले ग्रुप हैं दोस्तों के मैं कह रहा हूँ स्कूल में भी डाल दे टीचर वीचर तक पहुंचा दे ये गुरु दक्षिणा हो जाएगी तुम्हारी ठीक है ओके जल्दी जल्दी करें स्टार्ट ये बेटा इस तरफ रखो बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे मेरा मुंह देख के क्या करेंगे इधर रखो है ना ओके इजी है कर लिया ऑर्गेनिक तो पूरी सही होनी चाहिए अब 100% कर लोगे बेंजीन का बर्च रिडक्शन यस नॉन कॉन्जुगेट निकुंज बिल्कुल सही बेटा लव यू बिडू नॉन कॉन्जुगेटेड बन जाएगा ये ठीक है बर्च रिडक्शन है ये क्या है बर्च रिडक्शन फिर इसके बाद ओजोनलिसिस करा रहे हैं और वो भी ऑक्सीडेटिव करवा रहे हैं तो दो मोल बन जाएंगे किसके CH2, C डबल बॉन्ड ओ OH और C डबल बॉन्ड ओ OH के बोलो हाँ कि ना एक कार्बन पे दो COH हो गए CO2 का लॉस करा दें तो ये बना लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड ओ OH बोलो ठीक है अब क्या करना है कैल्शियम सॉल्ट इसका अपन बना लेंगे जो कि T हो जाएगा इसका अपन क्या बना लेंगे कैल्शियम सॉल्ट ये T है माइनस माइनस सी ए टू प्लस ठीक है अब क्या करना है इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराना है तो सी ए सी ओ थ्री बाहर और एसीटोन तक आ जाएंगे हम ठीक है इसका लाहा से रिएक्शन एल आई एल एच फोर सेकेंडरी अल्कोहल बना लेंगे ठीक है सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ हाइड्रोफॉर्म हो जाएगी फिर से ऑक्सीडाइज होगा तो सी एच आई थ्री और छतरी को माइनस बना लेंगे ठीक है फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिडिक एसिड बन जाएगा और हम जानते हैं एसिडिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ ठीक है तो OH हटेगा और Cl आ जाएगा फिर इसकी बेंजीन के साथ ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी ये बन जाएगा फिर इसकी साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन से ये बन जाएगा OH, CN एंड CH3 और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये बन जाएगा PH, COH, CH3 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दैट्स ऑल ठीक है कोई प्रॉब्लम इजी है सबको इजी लग रहा आगे बढ़े ठीक है कोई प्रॉब्लम यहीं से शुरू करते हैं बच्चों Z से कहां से शुरू करते हैं Z3 से तो जो Z3 है ठीक है Z3 ये है PH, COH, CH3, COOH ठीक है ये काइरल एटम है इसमें R और S दोनों बन सकते हैं और ये ऑप्टिकली मतलब रेशमिक मिक्सचर बनाएगा माय क्वेश्चन इज मैंने क्या किया
मैंने इसकी रिएक्शन करा दी KMnO4 से एसिडिक मीडियम। अब वापस ए से शुरू कर देते हैं ए, ठीक है। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है, किसके साथ, HI रेड फॉस्फोरस के साथ B, ठीक है। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, ब्रोमीन एंड हीटिंग, ठीक है। इतनी सारी रिएक्शन अपन इस पे ही करा सकते हैं पेपर पे, मतलब समझ रहे हो, लैब में नहीं करा सकते, वो टाइम लग जाएगा। तो ये करा दिया हमने, अब इसमें 2 मोल कंज्यूम हुए। या एक काम करते हैं Cl2 ले लेते हैं, जैसा कि NCERT में भी दिया है, Cl2 इक्विवेलेंट, ठीक है, हीटिंग सी बन गया। फिर इसका मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया, डी बन गया। हाँ, ऑक्सीडेशन होगा उसका, टू डिग्री क्या है, तो पूरा पूरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, COH ग्रुप रह जाएगा, साइड चेन पूरा चला जाएगा, है ना। करो जल्दी जल्दी करो, मिराज क्या बोल रहा यार तू। मैंने एक बार आपका ऑर्गेनिक का सेशन ग्रुप पे शेयर किया था, उसके बाद मुझे ग्रुप से निकाल दिया सबने। आयुष तू ऐसी बातें तू लिखा मत कर, ठीक है, मन में रखो ऐसी बातें, मन में रखो। कौन से ग्रुप पे शेयर कर दिया था तूने आयुष? तो ये बना लेंगे, इसके बाद में इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेल्डिहाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। तो 2 कंपाउंड बनते हैं, ई और एक एफ, ठीक है, ई और एफ। एफ जो है ये है 1 डिग्री अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन को कराते हैं MnO2 से, ठीक है, MnO2 से कराते हैं। तो वापस हम बना लेते हैं डी, ठीक है। इसकी रिएक्शन को फर्दर हम कराते हैं किससे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से डायरेक्ट, तो जी और एच बन जाता है, ठीक है, जी और एच बन जाता है। और एच की रिएक्शन को अगर हम कराते हैं AlIAlH4 से, तो फिर से जी बन जाता है, ठीक है। अब करके बताओ जल्दी जल्दी, ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन सर, प्लीज एक्सप्लेन, आई एम कंफ्यूज्ड, प्लीज क्लियर सर, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी एरोमेटिक। ऑफ कोर्स एरोमेटिक, फिनोक्साइड इज एरोमेटिक, क्योंकि ये वाली जो रिंग है इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेचर तो एरोमेटिक ही है, ठीक है, एरोमेटिक ही होगा। सानिया कुमारी, करो जल्दी से कंप्लीट करो इसको। सब खुल गए बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम भी खुले हुए हैं। ठीक है, करें स्टार्ट, ओके, क्या आएगा? बट सर इन वन ऑफ योर लेक्चर व्हाइल कैलकुलेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज नॉट, नो, एरोमेटिसिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती है। अगर एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो सारे एरोमेटिक ही होंगे, ठीक है। ये नेचर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नहीं है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड का नेचर होता है एरोमेटिक। वो तो हमने पढ़ा होगा कि इस पे अपन रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक पे किसी इलेक्ट्रोफाइल की, तो इंटरमीडिएट बनता है, ये sp3 कार्बन आता है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये तो कोई रिएक्शन नहीं है, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में फिर हम ऐसे नहीं सोचते हैं, ठीक है। अब बताओ, हो गया कंप्लीट?
इसमें मजा आया होगा आपको, है ना। करें स्टार्ट। तो बच्चों एक तो ये बन जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर। सारी पूरी साइड चेन का ऑक्सीडेशन करवा लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, एच आई लाल पापा, तो यहां आ जाएगा सी एच थ्री। फिर क्या करना है, दोनों एच हटा के सी एल लगा दें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई डाउट। फिर क्या कर, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, टू इक्विवेलेंट थ्री इक्विवेलेंट दोनों दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराने हैं, तो दोनों सी एल हट के ओ एच आ जाएंगे और वाटर के लॉस से बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, ये डी ए। आई होप इट इज क्लियर। अब एक और जगह डी आ रहा है, देखते हैं कैसे आ रहा है। इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, क्रॉस केनिजार होगी, छोटे वाले का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जिस पर बाद में अटैक होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन वन टू के साथ कराते हैं, तो हम जानते हैं बच्चों की स्पेशल रिएजेंट है और वन डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लेता है, वन डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लेता है। और कॉन्सेंट्रेटेड एनएओएच अगर लेते हैं तो एक तो यह बना लेता है क्या, अल्कोहल, और एक ये बना लेता है एसिड, ऑल गुड। और फिर एलाइलएच फोर के साथ फिर से ये जी बना लेता है सी एच टू। यहां से मुझे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, एक अल्कोहल एक एसिड और एलाइलएच फोर से फिर अल्कोहल। ये बच्चों आप अभी तो कर ले रहे हो, एग्जाम में भी प्रेशर में करना है क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट रहेंगे, तब समझ रहे हो। अभी तो एक इंफॉर्मेशन की तरह चल रहा, हाँ सर हो गया, सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा दीजिए ना प्लीज, फिनॉक्साइड का नेचर अरोमेटिक है या नॉन अरोमेटिक है, अरोमेटिक है, ठीक है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नेचर हाइब्रिड पे डिपेंड करता है, एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अरोमेटिक है तो फिर मॉलिक्यूल अरोमेटिक ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरोमेटिक एक नॉन अरोमेटिक ऐसा नहीं होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें कहां से शुरू करें बताओ, क्या अच्छा लग रहा है आपको, कहां से, जी से शुरू करें, है ना, जी से शुरू करते हैं, पीएच सी एच टू एच। ऑर्गेनिक ऐसे ही स्ट्रांग हो सकती है जैसे मैं बता रहा हूं, जहां जहां आपको लग रही है गलती वहां से नोटबुक लेकर के और पढ़ो, ठीक है, तो स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है, इसके साथ कराते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं पी, फिर इसकी रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं एल आई ए एल एच फोर के साथ, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे क्यू और आर, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे क्यू और आर, ठीक है। ये दोनों के दोनों अल्कोहल हैं, इनकी रिएक्शन को, ठीक है, क्यू और आर की रिएक्शन को हमने कराया किसके साथ, हमने कराया लुकास टेस्ट, क्या कराया, लुकास टेस्ट। तो जब लुकास टेस्ट कराया तो ये पाया कि जो क्यू है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, क्या देता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो आपको बताना है भाई क्यू और आर क्या है, ठीक है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है बताना है। इसके बाद क्या किया, जो क्यू है इसकी रिएक्शन को हम और आगे ले जा रहे हैं, इसकी रिएक्शन को हमने कराया वन टू से, ठीक है, कुछ बन गया ये एस, और इसकी रिएक्शन को हमने कराया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री से, और साथ में क्या लिया, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस, ये लिया। सेकेंड स्टेप एच प्लस एच टू ओ एंड थर्ड स्टेप हीटिंग, ठीक है। तो ये बन गया टी, क्या बन गया, ये टी बन गया, ओके। इसके बाद इसकी रिएक्शन को हमने कराया किससे, एल आई ए एल एच फोर से, एक बड़ी शानदार रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये यू बन जाता है, ठीक है, यू बन जाता है,
या एक काम करते हैं, इसको H2PD से कराते हैं, तो U बन जाता है, फिर इसकी रिएक्शन को कराते हैं PCl5 से, V बन जाता है, और फिर इसकी रिएक्शन को कराते हैं बेंजीन और AlCl3 से, तो ये W बन जाता है। करो जरा चेक करें कितना आता है आपको। कर पा रहे हो? जल्दी जल्दी। करें स्टार्ट। क्या आएगा पी? क्या आएगा? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH2PH। आयुष जायसवाल, मेरे ऊपर कुछ जीवनी लिखनी है क्या तुम्हें? IIT दिल्ली में आपकी ब्रांच कौन सी थी? फिर बोलेगा आपकी कौन कौन सी फ्रेंड्स थी, फिर उनके बारे में भी पूछेगा। ये सब कहाँ, मतलब इतना टाइम मिल रहा है तुम्हें ये सब करते करते? ठीक है, थोड़ा और फोकस्ड रहो, कभी मिलो तो अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठे हैं। लुकास टेस्ट वही अल्कोहल देते हैं जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लुकास टेस्ट सब देते हैं, लेकिन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाते हैं वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। AlIH4 की रिएक्शन रिडक्शन, तो एक तो बन जाएगा पीएच CH2OH और एक बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, अब ये वाला इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा कौन? PHCH2OH, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनाएगा। ये क्यू हो गया। अब क्यू से अपन स्टार्ट करते हैं काम। ठीक है, तो क्यू जो है ये हो गया PHCH2OH रिएक्शन विद मंटू, क्या बना लेगा? एल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर? अब क्या करना है? ये परकिन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? परकिन। ठीक है, इतना आसान नहीं, जो जरा सा भी टफ क्वेश्चन मैंने दिया तो तुम लोग हाय अल्लाह करने लगते हो। ठीक है, ये परकिन रिएक्शन है और इससे बन जाएगा PHCH CH 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 ठीक है, इसका नाम क्या है? सिनामिक एसिड। इसका नाम क्या है? सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। फिर H2PD से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। ध्यान रखना H2PD से इसका रिडक्शन नहीं होता है, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये बन जाएगा। आ रहा है समझ में? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कोई डाउट? फिर PCl5 से रिएक्शन हो जाएगी, OH हट जाता है, Cl आ जाता है, बड़ा मजा आता है। और फिर AlCl3 और इसके साथ में रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर ही हो जाएगी। सिंपल AlCl3 लेते तो भी हो जाता। ठीक है, फास्ट इंट्रामोलिकुलर होती है और ये बन जाता है, ये बन जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, कार्बोकेटायन यहां बनेगा और इसी से H+ निकाल लेगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। इजी था, अच्छा था ना ये? थोड़ा सा अच्छा था। चलो कराऊं क्या जे एडवांस के क्वेश्चन? ऐसे करवाऊं? नई रिएक्शन आ गई ना इसलिए टफ लग रहा है, है तो ये भी इजी, सीख जाओगे। चलो फिर करो।
ठीक है, जल्दी जल्दी करो आप। ठीक है, इथीन, इसकी रिएक्शन HIO4 फॉर्म्स बी। ठीक है, HIO4 फॉर्म्स बी, देन लाहा फॉर्म सी, देन HI फॉर्म्स डी। ठीक है, देन सोडियम एंड ड्राई ईथर फॉर्म्स ई। ठीक है, देन ब्रोमीन एंड HMU फॉर्म्स एफ, देन I2 एंड बेस फॉर्म जी एंड H। काइरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव जो लॉजिक है आप उसको ही प्लेन से कट नहीं कर सकते। सिंगल काइरल वाले ना POS ना COS होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, सिंगल काइरल वाले, देन जी एंड एच। ठीक है, देन जी की रिएक्शन AG पाउडर I, देन I की, ठीक है, जो रिएक्शन है रेड हॉट आयन ट्यूब फॉर्म J, देन इसकी रिएक्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड AlCl3 फॉर्म्स K, देन ऑक्सीजन एंड एयर एंड हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स L एंड M। ठीक है, करो जल्दी। अल्केन है तो सी एच, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड वाटर, पहले क्या बन जाएगा, डायोल बन जाएगा। ठीक है, फिर HIO4 के साथ जानते हो विसिनल डायोल की रिएक्शन। ठीक है, यहां से कट करना है, दोनों तरफ OH लगाना है, तो 2 मोल बन जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, फिर LiLH4 के साथ रिएक्शन मिथेनॉल बन जाएगा। फिर HI के साथ रिएक्शन CH3I बन जाएगा। फिर सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन ईथेन बन जाएगा। फिर ब्रोमीन और HMU के साथ रिएक्शन CH3CH2Br बन जाएगा। अब बच्चों मीडियम बेसिक है, बेसिक होने के कारण Br हट के OH आ जाएगा, तो पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। फिर अब ये लायक है आइडोफॉर्म टेस्ट देने के, तो यहां बन जाएगा CHI3 और यहां आ जाएगा HC OO-. HI तो CH3OH से CH4 है ना, HI रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो अब अपन मीथेन बना लेंगे। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, HI, तो अल्काइल आयोडाइड पहले बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। F में मिथाइल कीटो नहीं आ रहा है, डी तो अल्केन है लेकिन वुड्स के लिए अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अमन गुप्ता, नहीं आप गलत सोच रहे हैं, एफ में मिथाइल कीटो नहीं आ रहा है, एफ में मिथाइल कीटो नहीं आ रहा है ना, वो तो पहले Br हटेगा, OH आएगा, फिर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, CHI3 इससे AG पाउडर की रिएक्शन एसिटिलीन,
रेड हॉट एफी बेंजीन। अब यह है क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड मेथड। क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। तो यहां पर क्या आ जाता है? ये बन जाता है पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर तो गड़बड़ हो गई ना, यहां पर 2 डिग्री आना चाहिए तभी उसका ऑक्सीडेशन भी हो पाएगा। ठीक है, हाँ यहां तो है प्रॉब्लम। उसके बाद तो फिर बना लोगे क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड से, एक तो बन जाता है फिनॉल और एक एसीटोन बन जाता है। फिनॉल बन जाता है और एसीटोन बन जाता है। ये पढ़ लेना आप लोग, क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड मेथड। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करें, यहां से एम से शुरू करते हैं, क्या अपन कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस पर। ठीक है, हटा दूं? ओके, तो बच्चों एक बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। ओहो, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये ग्रुप है, ठीक है, और एस्टर है, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। इसकी रिएक्शन को हमने कराया किससे? डायोल से, इथिलीन ग्लाइकोल से। मीडियम लिया एसिडिक, पी बनाया, इसकी रिएक्शन को आगे ले गए, ठीक है, इसकी रिएक्शन को कराया CH3 MgCl एक्सेस, Q बन गया, फिर Q का हमने कराया हाइड्रोलिसिस H+ H2O की रिएक्शन, R बन गया, ठीक है, R की रिएक्शन को हमने कराया, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है, R की जो रिएक्शन है इसको हमने कराया NH2 OH एंड हीटिंग, S बन गया। तो ये आपको बताना है जल्दी जल्दी। ठीक है, एक रिएक्शन और दे रहा हूं इसमें मैं, इसकी रिएक्शन को कराना है NH2 और CH3 से, हीटिंग T बन जाएगा, और इसकी रिएक्शन को कराना है, इसकी रिएक्शन को कराना है NH इथाइल इथाइल हीटिंग, U बन जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत सारा रिवीजन हो गया। ठीक है, करें स्टार्ट। इजी है क्वेश्चन, देखो एक एस्टर है, कीटोन है, तो ये जो डायोल की रिएक्शन है, परमित मित्रा है, सर कितनी बार लिखेगा तू यार, ऊपर करना क्या लिखना चाह रहा है सर के पहले पैर, एक क्वेश्चन है उसके बाद सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइक्लिक कीटल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब क्या करना है? नहीं होता, वो एस्टर है ना, प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा है, ऐसे नहीं होता है। अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से होती है, हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल बनते हैं। ट्रिक से लिख के बताऊं तो इसमें क्या करना है, वाटर का लॉस कराना है और ये बन जाएगा।
अब क्या करना है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन ईथर पे तो होती नहीं है, किस पर होती है, इस पर होती है। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए सर, जेई एडवांस क्रैक हो जाए। परमित मित्रा फुल आशीर्वाद है आपको, ठीक है, लेकिन स्पैमिंग मत करो, चार चार पांच पांच बार एक चीज मत टाइप करो, और मैं समझ गया हूं, और बहुत फुल आशीर्वाद है जेई एडवांस के लिए। इसके बाद क्या करें, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एस्टर से हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा OH CH3 यह आ जाएगा, और MeOH बाहर हो जाएगा। ठीक है, MeOH बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो खैर इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही, क्यू की बात हो रही है, ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये भी पूरा हट जाएगा, वापस से ईथर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जानते हो ना ट्रिक से, दोनों तरफ OH, तो ये वापस फ्री होके कीटोन बन के आ जाएगा, और यहां पर हमें ये अल्कोहल मिल चुका है। अब हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन तो कीटोन पे ही हो सकती है, तो ये ऑक्साइम बना लेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 10 दिन तक ऐसे खड़े होके पढ़ा सकता हूं, खत्म नहीं होगी ऑर्गेनिक, लेकिन आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी। कर सकता हूं क्या मैं, कुछ फायदा भी हो रहा है, 2 घंटे में परेशान हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, ये ऑक्साइम बन जाएगा, और ये प्राइमरी अमीन से क्या बन जाएगा, इमीन बन जाएगा, प्राइमरी अमीन से इमीन बन जाता है, प्राइमरी अमीन से इमीन बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ बच्चों, हेलो कीर्ति, हेलो, सेकेंडरी अमीन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अमीन से इनामीन बनता है। पूरा मैकेनिज्म लिख के बताऊं, पहले ये ऐड हो जाएगा कार्बन से, ठीक है, तो यहां पर O-, यहां O-, यहां नाइट्रोजन, 2 इथाइल, इस तरीके से पहले आ जाएगा एडिशन, फिर ये H+ को इंटरचेंज करके और यहां ले आइए और ये बना लीजिए OH N इथाइल। फिर क्या करना है, फिर वाटर का लॉस करा दें इन दोनों के बीच में, और ये आंसर इसका आ जाता है। ये है U, ये U बनेगा। ठीक है, हालांकि आपके आपके नीट में ऐसे नहीं आते हैं क्वेश्चन, बट यस अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, फिर भी क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें कर ली, तो ये भी नए तरह की प्रोफाइल देखने में क्या जा रहा है। तो आज के लिए काफी है, ओके, आज के लिए बहुत है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।